चार बच्चों को लेकर कथित तौर पर भारतीय प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर इन दिनों काफी चर्चा में है। पाकिस्तान से लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में खुद को सीमा का मकान मालिक बताने वाले मंजूर हुसैन का बयान भी चर्चा में है। मंजूर के मुताबिक पाकिस्तान छोड़ने से पहले सीमा ने उनसे कहा था कि वो गांव जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान के कराची में इसी जगह पर रहती थी। अभी भी ऐसा ही बोला, भाई हम जा रहे हैं गांव, तीन चार दिन हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। सीमा के मुताबिक एक ऑनलाइन गेम खेलते वक्त सचिन से उसकी दोस्ती हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पबजी पे इसका कोई रब्ता हो गया, फिर ऐसे इधर चली गई, तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है, हमारे को तो यही पता है। पिछले दिनों सीमा को नेपाल के जरिए बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में घुसने को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जबकि सचिन को अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को हल ही में एक अदालत ने जमानत दी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि सीमा अभी भी जांच के दायरे में है। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत होते हुए ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंच गई? मैं पाकिस्तान से जहाज से आई थी, फ्लाइट थी मेरी, फ्लाइट दुबई की, कनेक्टेड फ्लाइट थी दुबई, दुबई से काठमांडू, तो वहीं से फिर वैन पकड़ी पोखरा, पोखरा से मैंने बस करके दिल्ली की कराई। 15,000 में हमारी 3 सीट बुक हुई, नेपाली 15,000, वहां से दिल्ली की मैंने बुक करी, तो दिल्ली से रास्ते में उन्होंने मुझे उतार दिया। वहां जब बॉर्डर पे थी आप, तो क्या क्या पूछा गया, क्या क्या जानने की कोशिश की, या जो वहां पे मिलिट्री थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो क्या जानने की कोशिश की आपसे, पूछा आपसे कोई बातचीत हुई? एक ही आया था, ज्यादा नहीं आया, मतलब नेपालियों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे बात ही ना करी। जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे बात भी ना करी। मतलब ऐसा, जब बॉर्डर आने से पहले जो बस का कंडक्टर था, उसने हमारे नाम लिख दिए थे कि सीमा, मेरे बच्चों का। आपने अपने बच्चों के नाम क्या बताए थे? जो हिंदू धर्म है, प्रेम का, राज, परी और मुन्नी। मैंने अपना सीमा और इनका सचिन पति का बताया था। तो क्या पूछा था वहाँ, क्या जानने की कोशिश की थी? जब नेपालियों ने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, कोई भी सवाल नहीं करा, कि अपनी नेपालियों से पूछ रहे थे कि ये इंडिया की या कहा इंडिया, ये इंडिया जा रही है। देखो इंडिया का एक ही पुलिस ऑफिसर आया था, ओनली एक ही आया था, तो सब अच्छा, बहुत अच्छा था वो। उसने बस मुझसे एड्रेस पूछा, पति का नाम पूछा, और बच्चों, मेरे बच्चों से प्यार करा था, बीमार थे ना मेरे बच्चे, सारे से गोदी में पड़े हुए थे, इसी से उन्होंने कुछ सवाल नहीं करे। वो बहुत अच्छा इंसान था, शायद बस यही, उन्होंने कार्ड वार्ड कुछ नहीं पूछा मुझसे। हाँ बस ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति क्या करते हैं या कहाँ जा रही हो, नोएडा जा रही हूँ, रब्बूपुरा में, तो इनका नाम बताया मैंने, कहा ये मेरे पति हैं, मैं वहीं जा रही हूँ, मैं ठकराइन हूँ, वो ठाकुर है, इससे ज्यादा उन्होंने सवाल ना करे। और बस अब कितने दिन ट्रैवल रहा आप, कब चली थी पाकिस्तान से, किस तारीख को चली थी? मैं 10 मई 4 बजे चली थी, 10 मई 4 बजे, और फिर यहाँ आई है 13 तारीख को, यानी 3 दिन लगातार सफर रहा है। जी सर। तो पहले यहाँ से दुबई गई, दुबई में तो आपके पति भी थे ना? मैं वो तो सऊदीया में है, पर मैं दुबई में थी, दुबई में मेरा फ्लाइट। इस दौरान 3 दिनों में कोई बातचीत हुई पति से? ना, इन दिनों में ना, नहीं हुई। मैं उधर एयरपोर्ट के अंदर ही थी, एयरपोर्ट से बाहर हम गए ना, कनेक्टेड फ्लाइट थी ना, एयरपोर्ट से बाहर आउट नहीं जाने देते, तो वहीं से दूसरे जहाज में बिठा दिया, फिर काठमांडू 11 की सुबह में पहुंच गई काठमांडू। ठीक है, फिर काठमांडू के बाद वैन पकड़ी, मैं गई सीधा पोखरा, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि पोखरा से आपको दिल्ली की बस मिल जाएगी आराम से। अच्छा। किसी ने वही नेपाल में ही पता पड़ी ना, नेपाल लोग सब हिंदी कर लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है। तो मैं वहां से पोखरा गई, पोखरा में रात को रुकी, शाम में पहुंची, सुबह को बैठे, जैसे मैं उतरी तो शाम में हम पहुंचे, और शाम को मैं सो गई, सुबह बच्चों का आराम करा, एक होटल रूम लिया, सुबह को सवेरे हम निकले और दूसरे सुबह पहुंचे हम। देखिए अब लगातार एक सवाल और पूछा जा रहा है कि सीमा यहाँ पहुंच गई है, इल्लीगल वे से पहुंची है, अब यहाँ क्या चाहती है? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही सिस्टम चलता है, जब मुसलमान मुसलमान से अगर कर लेना ला, मेरे जो पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं, ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थूतू तभी करते होंगे मुझ पर, कोई भी खुश ना होता होगा, सब गाली देते होंगे मुझे मुसलमान।